सो भाई अभी चेक करते हैं एक, जैसे कि स्लोप यहाँ पे देख पा रहे हो तो स्लोप में चेक करेंगे फर्स्ट गियर में गाड़ी कैसे उठती है कि नहीं उठती है, या फिर वाइब्रेशन वगैरह यहाँ पे होता है। सेकंड गियर में चेक करेंगे स्लोप, स्लोप में इसका कैसा क्या बिहेवियर है। तो फिर से मेरे को फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चलाने वाले यहाँ पे अल्ट्रोज की ICNG वाली गाड़ी, और ICNG आपको पता है भाई पेट्रोल प्लस CNG का जो है रहता है कॉम्बिनेशन। और आज इस वीडियो में CNG का कैसा क्या परफॉर्मेंस वगैरह है वो भी चेक करने वाले हैं। एंड CNG में जैसे कि बोलते हैं भाई पेट्रोल के हिसाब से हल्का सा पावर एंड टॉर्क कम रहता है, तो देखते हैं भाई कितना पावर फील होता है मुझे CNG में, और वही देखेंगे इस गाड़ी में यानी कि अल्ट्रोज की ICNG में। तो चले भाई चलाते हैं इस गाड़ी को। और इस गाड़ी का एक डिटेल रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जाकर उसको देख सकते हो, बट आज इस वीडियो में इसको हम चलाने वाले हैं। तो पहले इसको हल्का फुल्का यहाँ पे करेंगे ऑफ रोडिंग, आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, बट हल्की फुल्की जो ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए भाई चलाते हैं इस गाड़ी को। तो पहले सीट बेल्ट पहन लेते हैं भाई। सो ये हो गया इसका की, मैं देख लो इस टाइप की आपको मिल जाती है। दिस इज द सेकेंड टॉप 1.0+S वाली गाड़ी है, जिसका प्राइस आती है भाई एक्सरूम प्राइस 10,10,000। और देखिए गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, और CNG में हुई है स्टार्ट। एंड AC हमने कर दिया है ऑन, क्योंकि बाहर एंड अंदर बहुत ही ज़्यादा हो रही गर्मी, और CNG में हमने इसको ऑन किया है क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में है नहीं, क्योंकि आज हमको इसको पूरा CNG में ही चलाने वाले हैं। देखिए पावरफुल AC का हवा आ रहा है। तो दिस इज द एक्सप्रेस कूलिंग आपको मिल जाती है, ये रहा उसका बटन। तो भाई आपको बहुत ही जल्दी जो गाड़ी ठंडी कर देगी, यानी कि गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी करने वाली है। और जब मैं इसको प्रेस करता हूँ ना, देखिए ये देख लो भाई मेरा हाथ यहाँ पे ऊपर है, ये देखो। तो इसको जब मैं ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्राइवर साइड जो विंडो है वो डाउन हो जाएगी, यानी कि जितना एक्स्ट्रा वगैरह यहाँ पे अगर गाड़ी हीट होती है तो वो पहले बाहर और फिर उसके बाद गाड़ी हो जाएगी पूरी ठंडी यहाँ पे। और इसका यही फीचर वगैरह है एक्सप्रेस कूलिंग का। बंद करते हैं अब इसको, क्योंकि भाई गाड़ी ठंडी हो चुकी है। सो और ये गाड़ी आपको मिलेगी ओनली मैनुअल के साथ ही, ICNG जो है ऑटोमेटिक साथ आपको अल्ट्रोज आपको ऑफर नहीं करती है। चलिए भाई चलाते हैं। एंड फर्स्ट इन सेगमेंट, फर्स्ट इन इंडस्ट्री, आपको बहुत ज़्यादा जो है सेफ्टी आपको ऑफर करती है गाड़ी, यानी कि ICNG जो है इसका। तो पहले ऑफ रोडिंग आप जैसे देख पा रहे हो, एंड सस्पेंशन भी चेक हो जाएगी इस गाड़ी की। तो मैंने यहाँ पे देखो ये भाई काफ़ी मस्त लगती है। तो मैंने यहाँ पे रेस का जो पेडल को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, बस इसका जो क्लच को मैंने रिलीज किया, एंड गाड़ी देखिए चलना शुरू हो चुकी है। अगर आपको फिर से दिखाऊं, लेट मी शो यू। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेक अप्लाई किया, फर्स्ट गियर फिर से डाला, और देखिए यहाँ पे बस मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, और देखिए गाड़ी भाई CNG में चल रही है, पेट्रोल है ही नहीं, पेट्रोल जीरो है। और यहाँ पे दिखा दो, आपको दिखा दो भाई थोड़ा सा इसको, देखिए कन्वर्सन जो है ना, ये देखो ये भाई नहीं हो रही है, यानी कि पेट्रोल जीरो है इसमें। और इस गाड़ी को हम चलाने वाले हैं CNG में ही ओनली, राइट। ये देखो कन्वर्सन नहीं हो रही है, CNG में ही ऑन है गाड़ी। तो भाई अगर मैं बताने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छा जो है रिफाइनमेंट हुआ है गाड़ी में, नो डाउटली, क्योंकि लास्ट टाइम इसका जो ओल्ड वाली वेरियंट मैंने चलाई थी गाड़ी, उसके हिसाब से गाड़ी का जो रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, उतना तो फील आ रही है। बाकी सस्पेंस अभी थोड़ा चेक करते हैं इस गाड़ी, क्योंकि ऑफ रोडिंग में अच्छी गाड़ी चल रही है। अभी देखिए ऑफ रोडिंग हो गया, यहाँ 165 mm का आपको लेकर ग्राउंड क्लियरेंस, और देखिए AC का बस फ्लो ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा कम करते हैं अभी। तो सस्पेंशन भाई काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको इस गाड़ी में अल्ट्रोज में, बट 165 है तो आप इसको ज़्यादा भी गड्ढों में, यानी बड़े गड्ढों में भी ना कूदाएँ, हल्की फुल्की अड्डों के लिए आराम से गाड़ी निकल जाएगी, नो डाउटली। ये देखो पूरा फील्ड का एरिया है, राइट। ये देखो भाई सही है भाई सस्पेंस, ठीक है। तो अभी चले चलते हैं भाई थोड़ा प्लेन रोड की ओर, और वहाँ पे इसको सेकेंड गियर में भी चेक करेंगे इसका जो पिकअप वगैरह, उसमें कुछ वाइब्रेशन वगैरह यहाँ पे होता है, क्योंकि उसके बारे में बात करना है ना। अगर आप प्रॉपरली CNG गाड़ी लेते हो, यानी कि CNG पेट्रोल जो कॉम्बिनेशन लेते हो, तो आपको कैसा क्या ये मिलने वाले अल्ट्रो जो है वो आपको पता चलेगी इस वीडियो में। ये देखो भाई गड्ढे वगैरह यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं। अभी इसको मैं डालूँगा सेकेंड गियर में, ये देखो, राइट। और बस यहाँ पे करूँगा रिलीज क्लच को, देखते हैं भाई। ये देखो भाई गाड़ी चलना शुरू,
और यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन कुछ भी यहाँ पे वाइब्रेशन यानी कि इसके लीवर के ऊपर या फिर यहाँ पे कहीं पे भी फील नहीं हुआ। तो सेकंड गियर में भी काफ़ी अच्छी खासी जो है रेस्पॉन्स करती है। अगर मैं थर्ड गियर में इसको ट्राई करूँ ना, रुकिए देन ट्राई करता हूँ इसको थर्ड गियर में, राइट थर्ड गियर, ये देखो थर्ड गियर में अभी गाड़ी है, फिर से ट्राई करते हैं। ये देखो झटके से अगर आप छोड़ दोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आप धीरे से छोड़ोगे ना, देखिए अभी गाड़ी चलना शुरू देखिए, तो हल्का से यहाँ पे हल्का सा जस लग रहा है। थर्ड गियर में है और क्या होता है, बस हमने से ही चेक करने की जो है कोशिश की थर्ड गियर में कैसा कैसा रेस्पॉन्स। बाकी देखिए थर्ड गियर में देखिए इसका, तो मैं रेस देता हूँ, ये देखो राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, सीएनजी गाड़ी है, पेट्रोल एंड जो सॉरी पेट्रोल से इसका जो पावर फिगर थोड़ा सा कम मिलेगा, बट इतना भी आपको ज़्यादा फील नहीं होने वाला, क्योंकि इसका पेट्रोल वाली गाड़ी जो मैंने चलाई है, पेट्रोल में इसका जो पावर फिगर अभी दी जाती है भाई 88 पीएस की एंड 159 का टॉर्क, जबकि सीएनजी में आपको मिल जाती है 73.5 पीएस की पावर एंड 103 Nm का टॉर्क, जो कि इतना फील नहीं हो रहा है एक्चुअली में। अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा मेजर आपको नहीं लगेगा डिफरेंस अगर मैं बात करूँ, ठीक है। और स्टेयरिंग व्हील देखिए आपको भाई टाटा की गाड़ियों में तो भाई काफ़ी लाइट मिलती है स्टेयरिंग व्हील, एंड आपको मिली यहाँ पे डी कट वाली स्टेयरिंग व्हील। और यहाँ पे थोड़ा सा रेस देख देखते हैं, अभी गाड़ी सेकेंड गियर में है, देखो तो कितने दूर से रेस, थोड़ा देखिए गाड़ी सेकेंड गियर में है अभी, थोड़ा रेस देखिए यहाँ पे देखते हैं अभी कैसे गाड़ी खींचती है, कितने सेकेंड में पहुँचती है। सीएनजी में चला रहे हैं अभी, सीएनजी में ही गाड़ी चल रही है भाई, ब्रेकिंग देखिए भाई गाड़ी का, ओके तो ब्रेकिंग डिसेंट है, ठीक है ना, 100 के स्पीड में गाड़ी जैसे की थी। और ब्रेकिंग जो है देखिए इसका कैमरा का क्वालिटी, रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्योंकि आगे आपको मिलेगी भाई डिस्क, रियर आपको मिलेगी ड्रम, तो आपको हल्का से यहाँ पे कम लग सकता है, क्योंकि 100 के स्पीड में थी ये गाड़ी, थोड़ा जो है दूर जाके रुकी। बस स्टेबिलिटी भाई आपको अल्ट्रोज में मिलेगा एक नंबर, क्योंकि भाई गाड़ी है फाइव स्टार रेटेड वाली गाड़ी है, एंड आपको मिलेगा पूरा जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी साथ, तो इसका कर्व वर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, तो गाड़ी पूरा जो रोड को पकड़ के चलती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है राइट। आपको मिलेगा देखिए गाइडलाइन के साथ, तो स्पीड एंड अगर स्पीड की बात करें तो सीएनजी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अगर आप सिटी वगैरह में चलाओगे तो इतना पता नहीं चलेगा राइट। यहाँ पे एक ब्रेजा आ रही है भाई, ये देखो स्टेयरिंग व्हील देखो, आराम से देखिए कैसे घूम रही है, ये देखो देन आपको यहाँ पे लेदर एप्ट जो है इसका स्टेयरिंग व्हील है। और अगर सेफ सीएनजी की बात कर, जैसे कि भाई आई सीएनजी मिल जाती है, और आई सीएनजी अपने सेगमेंट में अभी सबसे ज़्यादा सेफ जो है ऑफर करी जा रही है हमें टाटा की तरफ से, क्योंकि इस गाड़ी मिल जाती है आपको एक माइक्रो स्विच मिल जा रही है, अगर आप इसका जो फ्यूल लिड को जो ओपन करोगे ओपन रखोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एक आपको मिलेगी माइक्रो स्विच, उसके साथ मिल जाती है थर्मल इंडक्शन जो प्रोटेक्शन वगैरह, देन इसके जो सीट के नीचे आपको दी जा रही है एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि ड्राइवर सीट के नीचे, वो भी एज ए सेफ्टी इसमें आपको डाली जा रही है इस गाड़ी में। देन आपको मिलेगी ऑटो स्विचिंग का जो है फीचर, यानी कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो स्विच हो जाएगी भाई सीएनजी की तरफ, सीएनजी ख़त्म होती है तो भाई हो जाती है पेट्रोल की तरफ, बट आपको यहाँ पे नज़र भी रखना चाहिए कि भाई दोनों ना ख़त्म हो जाए, वरना आपको ढकेलना पड़ेगा गाड़ी को, वो चीज़ भी भाई देख के चलाना गाड़ी को, ठीक है। भरोसे मत रह जाना कि भाई हाँ सीएनजी तो है पेट्रोल में मैं ख़त्म करता हूँ, बट पेट्रोल यहाँ पर ख़त्म हो गया एंड सीएनजी ख़त्म दोनों हो गए तो फिर राम भरोसे। देन अगर फीचर्स की बात करें भाई, दिस इज़ द सेकेंड टॉप, तो आपको मिलेगी यहाँ पे लगभग सारे फीचर्स यहाँ पे दी जा रही है, जैसे टच स्क्रीन हो गया यहाँ पे, क्लस्टर कूलिंग डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पे फीचर, सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी का पोर्ट वगैरह मिल जा रही है, बड़ा सा ग्लो बॉक्स दी जा रही है,
रियर वालों में मिल जाती है, यूएसबी का पोर्ट एंड जो एसी वेंट्स मिल जा रही है। तो लगभग आपको यहाँ पे सारे जो फीचर को ऑफर करी जा रही है, जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट है लोगों को। एंड सबसे जो मेन यूएसपी है वो है इसका बूट का एरिया, यानी कि आई सी एन जी में आपको मिलेगी टाटा की अल्ट्रोज में 210 लीटर का बूट स्पेस। दो सिलेंडर होने के बावजूद आपको मिल जाती है यहाँ पे 210 लीटर का बूट स्पेस, वो काफ़ी सही बात है। लॉन्ग रूट में लोगों को बिल्कुल भी भाई सोचना नहीं पड़ेगा भाई हमारा सामान जो है कहाँ रखे, तो 210 है यहाँ पे, तो आप आराम से एक बड़ा लगेज एंड छोटा आराम से रख सकते हो, या फिर आप चार जो है बैकपैक वगैरह यहाँ पे आराम से ढकल के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चार या पाँच पे आ जाएंगी। ठीक है, तो फीचर्स काफ़ी अच्छा खासा मिल जा रही है इस गाड़ी में। बट और एक चीज़ बस है यहाँ मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रही है, वो है इसका क्रूज कंट्रोल का फीचर। अगर ये हो जाता तो और भी बेहतर हो जाती, क्योंकि भाई सीएनजी गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं करी जाती, यानी कि अल्ट्रोज में तो अभी तक नहीं है ये देखो। क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग रोड में लेके जाते हो तो इसका जो क्रूज कंट्रोल जो फीचर वो आपको पक्का ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो है। एंड और एक चीज़ यहाँ पे यानी कि और एक फीचर भी थोड़ा सा जो है मुझे लगता है भाई इसको भी अपग्रेड होना चाहिए, वो है इसका इंडिकेटर। देखिए थर्ड गियर में हमें यहाँ पे जो चला रहा हूँ थर्ड गियर में, देखिए इसका जो पिकअप वगैरह है तो गाड़ी खींच लेके जा रही है, ऐसे नहीं कि गाड़ी रुक जा रही है, गाड़ी आ रही है आराम से। तो थर्ड गियर में अगर आप चला भी रहे हो ना तो भी भाई गाड़ी तो आराम से खींच रही है, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी सेकेंड गियर फर्स्ट गियर में तो भाई पता नहीं चलेगा आपको, आपको ऐसा लगेगा भाई पेट्रोल गाड़ी है। ये देखो एक तो होम से यहाँ पे आया और मैंने इसको सेकंड गियर में डाला, ये देखो आराम से पूरा स्लो 10 के स्पीड में है, देखिए गाड़ी आराम से। देखिए तो सिटी में आपको पता नहीं चलेगा इसका जो डिफरेंस है, बहुत ही माइनर मिलता है, और हाईवे में आपको हल्का फुल्का पता चल जाएगा जब आप इसको चलाओगे हाई स्पीड में, थोड़ा सा इसको पिक करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पता चलने वाला है। हाँ भाई, जो दूसरा जो यहाँ पर मुझे लगा कमी वो है इसका जो इंडिकेटर जो कि दी जा रही है इसके फेंडर के एरिया में। फेंडर के एरिया में जो इंडिकेटर दी जा रही है भाई उसको ओरम के ऊपर देनी चाहिए थी कंपनी को, पता नहीं कब देगा भाई, इसका तो कोई अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। वो एक तो चीज़ यहाँ पे चेंज होनी चाहिए गाड़ी में, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कंपनी को सोचना चाहिए। बट देखते हैं भाई आगे क्या होता है, कंपनी क्या करती है। और ओनली सीएनजी को जो है हम इसको चेक कर रहे हैं प्रॉपरली भाई कैसा है, इसका परफॉर्मेंस वगैरह है। तो सिटी के लिए तो भाई मुझे काफ़ी बेहतर लगी, क्योंकि इसका ओल्ड वाली गाड़ी भी मैंने चलाई है अल्ट्रोज की, तो उससे तो भाई फार बेटर मुझे फार बेटर इन द सेंस भाई रिफाइनमेंट तो हुआ इसके इंजन के ऊपर, तो पिकअप वगैरह भी आपको थोड़ी सी बेहतर मिलेगी इस गाड़ी में। बाकी 165 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस दी जा रही है वो फील होती है हाईवे में, यानी कि इसका जो स्टेबिलिटी है ना, इसका जो कंफर्ट है वो आपको बेहतर मिलेगी। बाकी ऑफ रोडिंग के मामले में देखना भाई, हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बाकी ज़्यादा मत करना जैसे कि हमने किया, हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग। सस्पेंशन बाइक की सही है, हाँ ब्रेकिंग थोड़ा सा मुझे लगा और भी बेहतर हो सकती है। बाकी 100 के स्पीड में जैसे कि हमने इसको ब्रेक किया उस हिसाब से लगा के और थोड़ा सा बेहतर हो सकता है इसका जो ब्रेकिंग जो सिस्टम है। बाकी सीएनजी में आपको फ़र्क पड़ेगा हाईवे में। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको बताना भूल गया था भाई, स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम जो है इसको एसी में ही चला रहे हैं, तो ये सब कुछ जो हो रहा है पिकअप वगैरह सेकेंड थर्ड गियर जो यहाँ पे हम डाल के चला रहे हैं गाड़ी को, सब कुछ यहाँ पे एसी ऑन होके ही हो रहा है, राइट। क्योंकि भाई एसी ऑन होने के बाद हल्का सा जो है फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पे तो मुझे उतना फ़र्क पता भी नहीं चला। तो गर्मी का टाइम है तो अगर एसी ऑन नहीं करेंगे तो हम लोगों का तो पूरा पैम्पलेट मछली हम बन जाएंगे, ठीक है ना भाई, पूरा बन जाएगी नहीं फ्राइड मछली। तो भाई गर्मी का टाइम है तो एसी ऑन करके ही हम चला रहे हैं गाड़ी को, और गर्मी के टाइम में कोई बंदा तो एसी ऑफ करके गाड़ी नहीं चलाएगा ना, वो चीज़ भी तो है। तो सिटी वगैरह देखिए आराम से गाड़ी को हम निकाल रहे हैं, कोई तो दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इसका पिकअप वगैरह काफ़ी आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है सिटी में, आपको पता चलेगा इसका जो पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा। एंड भाई अगर कंफर्ट की बात करूं और मेरा जो हाइट है वह 6'3" का है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो आराम से बैठ पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगी भाई एडजस्टेबल जो है एक लीवर दी जा रही है एडजस्ट करने के लिए ड्राइवर सीट को। देन उसके साथ आपको मिलेगी इस वेरिएंट में, क्योंकि इसका सेकेंड टॉप है XZ+S वाली, और अगर जाते इसके टॉप एंड में तो उसमें आपको मिलेगी लेदर के सीट्स, बट इसमें आपको मिलेगी फेब्रिक के सीट वगैरह, बकेट टाइप की सीट रखी गई है, तो कम्फर्ट सही है, ठीक है ना, तो काफ़ी सही आपको मिल जा रही है, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी लेदर में जाएंगे तो आपको और भी अच्छा थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा अगर लेते हो इसका टॉप एंड।
तो बोले तो इसका टॉप एंड तो वो ऑलमोस्ट आपको एक्सरूम प्राइस 1070 का आसपास आपको मिल जाएगी वो गाड़ी एक्सरूम प्राइस। भाई अभी भी देखिए एमटी दिखा रहा है, मैं थोड़ा दिखाना मोबाइल, ये देखो भाई एमटी एमटी ई देखिए दोनों चल रही है, यानी कि पेट्रोल भी सीएनजी भी, और सीएनजी से भी पेट्रोल कन्वर्ट नहीं हो रही क्योंकि पेट्रोल हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म, और हमने जब डाला सीएनजी तभी सीएनजी भी ख़त्म हो चुकी थी राइट। तो सीएनजी हमने डाला तो पेट्रोल यहाँ पे और कन्वर्ट तो वो स्विच नहीं हो रही अभी, ठीक है। तो दोनों ही अभी देखिए ब्लिंक कर रही है। सो भाई अभी चेक करते हैं, एक जैसे कि स्लोप यहाँ पे देख पा रहे हो तो स्लोप में चेक करेंगे फर्स्ट गियर में गाड़ी कैसे उठती है कि नहीं उठती है, या फिर वाइब्रेशन वगैरह यहाँ पे होता है, सेकंड गियर में चेक करेंगे स्लोप में इसका कैसा क्या बिहेवियर है, ठीक है। जैसे देख पा रहे स्लोप है यहाँ पे और फर्स्ट गियर में यहाँ पे डाल रहा हूँ, और सीएनजी में तो है ही गाड़ी, उसमें तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। ये देख लो तो फर्स्ट गियर में गाड़ी खींचना चालू, और देखते हैं अभी सेकेंड गियर में डाला अभी, ओके ये देखो स्लोप में भाई गाड़ी उठ रही है, सेकेंड गियर में अभी गाड़ी है, ठीक है ना, अभी गाड़ी सेकेंड गियर में है। ये देखो स्लोप देखो, तो फिर से मेरे को फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा क्योंकि भाई स्लोप ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, और हल्का से यहाँ पे सेकंड गियर मेरे को लगा के गाड़ी रुक जाएगी, तब फर्स्ट गियर फिर से मैंने इसमें डाल दिया है। फर्स्ट गियर में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है भाई, आराम से देखे उठ जाते। राइट, तो भाई फर्स्ट गियर में गाड़ी आराम से उठ गई जो है, और इसको भी बैक करते हैं फिर से, इसको सेकंड गियर में खींचेंगे अच्छे से, देखते हैं भाई गाड़ी खींचती है कि नहीं खींचती है, क्योंकि सेकंड गियर में तभी तो नहीं आई गाड़ी, यहाँ पे मेरे को फिर से फर्स्ट गियर डालना पड़ा। मैं ज़्यादा जो है इसको रेस नहीं दिया था, अभी सेकंड गियर में पूरा अच्छे से इसको खींच के लेके आएंगे ऊपर में, देखते हैं भाई चढ़ती है कि नहीं गाड़ी। ये देखो ये बस पार्किंग, गाड़ी नीचे जा रही है अभी, तो फर्स्ट गियर में तो उठ जाएगी गाड़ी, बट अभी सेकंड गियर में पूरा अच्छे से चेक करते हैं मैं गाड़ी उठती कि नहीं उठती। अभी थोड़ा सा इसको रेस देके रगड़ा के चढ़ाएंगे गाड़ी को, देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने डाला इसको सेकंड गियर में, देखो तो ठीक से सेकंड गियर में, अभी देखिए इसको रगड़ा के थोड़ा सा चढ़ाते हैं गाड़ी को। ये देखो सेकंड गियर में गाड़ी, देखिए भाई, तो ये हुई ना बात। तभी एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इसको रेस कम कर दिया था इसलिए नहीं उठ रही थी, बट अभी देखिए आराम से गाड़ी उठ गई। तो स्लोप में भी भाई परफॉर्म तो अच्छा ही कर रही है नो डाउटली, ठीक है। मंदिर तो ठीक है भाई, सेकंड गियर में गाड़ी आराम से उठ गई, और तभी मैंने ज़्यादा स्लो कर दिया था ताकि इसलिए शायद नहीं उठा गाड़ी, बट अभी आराम से गाड़ी उठ गई। तो दोस्तों ये था भाई आज का वीडियो, दिस ड्राइव रिव्यू ऑफ टाटा अल्ट्रो सीएनजी, एंड हमने इसको ओनली सीएनजी में ही चलाया, पेट्रोल को बिल्कुल भी छुआ नहीं, क्योंकि पेट्रोल तो थी ही नहीं तो कहाँ से चलाएंगे, तो सीएनजी में हमने इसको चलाया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स मुझे लगा। स्पेशली अगर बात करें इसका जो पावर फिगर को लेके मुझे काफ़ी जो इम्प्रेसिव लगी, यानी कि पेट्रोल के हिसाब से सीएनजी में आपको काफ़ी लाइट, बहुत ही लाइट आपको मिलेगा डिफरेंस, ठीक है, वो भी आपको सिटी में पता नहीं चलेगा, पता चलेगा वो भी हाईवे के ऊपर, राइट। एंड ये था आज का ड्राइव रिव्यू दिस अल्ट्रोज सीएनजी वेरियंट को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, तो मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।